हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 18.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड एंड अ क्यूब। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द एरियाज ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर एक्स वाई एंड जेड। इफ द वॉल्यूम इज वी, प्रूव दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। यहां पर एक क्यूबॉइड गिवन है आपको, ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड है और बोला है कि जो थ्री एडजेसेंट फेसेस है उनका एरिया भी आपको गिवन है, ठीक है। पहला जो फेस है उसका एरिया है x, दूसरा जो फेस है उसका y है और तीसरा जो फेस है उसका z है ना। तो यहां पर जो ये वर्ड है एडजेसेंट, इसका मतलब क्या है? एडजेसेंट का मतलब होता है, लेट से ये आपकी पहली साइड है, ठीक है, तो इसके बगल में जो साइड है, ठीक है, जस्ट नेक्स्ट में, ठीक है, ये आपका इसके नेक्स्ट में है, ठीक है, और इसके ही नेक्स्ट में, इसके नेक्स्ट में ये भी है, ठीक है। तो तीन साइड हो गई, तो ये तीन साइड हमने इस क्यूबॉइड के अंदर ले ली, ठीक है। लेकिन इसके बाद आपको एरिया तो पता है लेकिन साइड नहीं पता, तो आप लेट कर लेंगे, ठीक है। सो यू विल राइट लेट लेंथ इज इक्वल टू ए, ब्रेथ इज इक्वल टू बी एंड हाइट, हाइट भी आप लिख लेंगे सी, ठीक है। तो ये आपकी डायमेंशन होगी, तो यहां पर हम ले लेते हैं इसका लेंथ है ए, ठीक है, ब्रेड्थ हो गया बी और हाइट हो गया सी, ठीक है। तो इसके बाद आप आसानी से एरिया लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स से इस साइड का जो एरिया है वो है एक्स, इसका है वाई और इसका है थर्ड साइड का जेड, ठीक है, ये आपको गिविन था। लेकिन वैल्यू क्या होगा, एक्स का क्या वैल्यू होगा? ये आपका क्या बनता है? रेक्टेंगल जो फेस है, ठीक है, ये आपका क्या है? रेक्टेंगल। तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, तो लेंथ आपकी ए है और ब्रेथ आपकी बी है, तो ये हो जाएगा आपका ए इंटू बी, ठीक है। वाई का वैल्यू क्या होगा? अगर हम बात करें जो आपका फर्स्ट वाला यहां पर फेस था, इसका एरिया क्या होगा? यहां पर लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आपका बी इंटू सी होगा, ओके, तो ये आपका हो जाएगा b इंटू सी। और z का एरिया क्या होगा? देखिए यहां पर, देखें आप, यहां पर लेंथ सेम होगी, ये आपका a होगा और इसके लिए यहां पर c हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा a इंटू सी, ठीक है। तो आपको लेंथ इंटू ब्रेथ लेना है लेकिन रेक्टेंगल मान के, ठीक है। लेकिन एज ए क्यूबॉइड देखें तो हम यहां पर देखेंगे कि ये आपका लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। लेकिन जब हम सिंगल फेस की बात करेंगे, सिंगल रेक्टेंगल की बात करेंगे, तो वहां पे जो साइड्स हैं वो आपकी लेंथ और ब्रेड्थ की तरह कंसीडर होंगी, है ना, जैसे मैंने यहां पर लिया है, ओके। तो इस तरीके से आपने एक्स वाई और जेड का एरिया फाइंड कर लिया, एबीसी जो आपकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट है उसको लेट करके, है ना। इसके बाद वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही तो होता है। तो आप लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी एबीसी यही तो होगा। तो चलिए अब इसको प्रूव कर लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो यहां पर राइट हैंड साइड को आप लिख लेंगे, राइट हैंड साइड आप लिख लेंगे एक्स वाई जेड, ओके। तो वैल्यूम आपको मालूम है, एक्स का जो एरिया है वो आपने फाइंड कर लिया था, आप लिखेंगे ए बी, ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो यहां पर आप लिखेंगे बी सी, ठीक है। जैसे जैसे यहां पर लिखा है x इंटू वाई इंटू जेड, उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में आप यहां पर मल्टीप्लाई के फैक्टर में इन वैल्यूज को लिख लेंगे, ठीक है, ए बी इंटू बी सी इंटू ए सी, ओके। इसके बाद आप यहां पर देखें, a आपका टू टाइम्स है ए स्क्वायर, बी आपका टू टाइम्स है तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसको सिंपली आप लिख लेंगे a इंटू बी इंटू सी टू द पावर टू, ठीक है, या फिर एबीसी स्क्वायर। इसके बाद आप यहां पर देखें जो एबीसी है वो एक्चुअल में क्या है? आपका वॉल्यूम है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
वी इज इक्वल टू एबीसी, ओके, तो आप यहां पर एबीसी की जगह वीबी लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा वी स्क्वायर, है ना, और यही आपको प्रूव करना था, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और यू कैन से देयरफॉर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, है ना, बोथ आर सेम। तो यहां पर आपने देखा कितना आसान है, जो जो आपसे यहां पर बोला गया है स्टेटमेंट में उसको यहां पर ड्रॉ कर लें, ठीक है, जैसे आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन नहीं थी तो आपने लेट कर ली, ठीक है, उसके बाद आपका एरिया भी निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले आप यहां पर एडजेसेंट फेसेस को ड्रॉ कर लें क्यूबॉइड के अंदर, सो दैट कि आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि लेंथ ब्रेथ और हाइट आप कैसे लेंगे, है ना, जिससे आप एरिया फाइंड कर सके, उसके बाद आप वॉल्यूम भी निकाल लेंगे और सिंपली राइट हैंड साइड लेके आप यहां पर इसको प्रूव कर देंगे, ओके। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वॉटर विल फॉल इन टू द सी इन ए मिनट। तो चलिए अब समझते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। आपके सामने एक रिवर है और इस रिवर की जो डेप्थ है वो कितनी है, 3 मीटर की डेप्थ है, 3 मीटर की, और इस रिवर की चौड़ाई है 40 मीटर, ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया है। इसके बाद फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, ये नदी, ये पानी किस रेट से बह रहा है, ठीक है, ये रेट आपको गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे में, अगर मान लो आपकी बोट यहां पर है कहीं, ठीक है, आपकी बोट यहां पर है कहीं, आप यहां पर बैठे हो और चप्पू चला रहे हो, तो एक घंटे में आप कहां पर पहुंचोगे, 2 किलोमीटर, है ना, यही तो बोला गया है। इसके बाद हाउ मच वाटर विल फॉल इन टू सी इन ए मिनट, यानी कि एक मिनट में कितना पानी समुद्र में गिरेगा, ठीक है, मान लो ये आपका कोई समुद्र है, सी है, ठीक है, ये समुद्र में जाके मिल जाती है, ये मतलब है इसका, है ना, तो कितना पानी एक मिनट में गिरेगा, है ना, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों आपको यहां पर समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए जो पहला स्टेप होगा उसमें आपको क्या करना है, ये जो आपका रेट है ये है आपका 2 किलोमीटर पर आवर, घंटे में गिवन है, ठीक है, और आपको आंसर निकालना है मिनट में, तो आप इसको भी, इस रेट को भी मिनट में आप कन्वर्ट कर लें, ठीक है, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप आपको वॉल्यूम फाइंड कर लेना है, क्योंकि आपको निकालना है कितना पानी इस समुद्र में जाके मिल जाता है एक मिनट में। तो बेसिकली आपसे यही पूछा गया है कि कितना पानी, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर सी में जाके गिर जाता है, ठीक है, यही आपसे पूछा है, तो वॉल्यूम आपसे पूछा है और वॉल्यूम ही आपको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर इसको चेंज कर लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं रेट ऑफ वाटर इज गिवन 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 × किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है, और आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप यहाँ पर 60 लिखेंगे, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 100/3 मीटर पर मिनट, ओके, इस तरीके से आपने निकाल लिया रेट ऑफ वाटर इन मीटर पर मिनट में, मिनट में आपने निकाल लिया रेट, ओके। इसके बाद आप फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम, और यू कैन से वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड इन 1 मिनट, यही आपको फाइंड करना है, ठीक है, एक मिनट में कितना पानी समुद्र में जाके मिलता है, तो उसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। तो वॉल्यूम के लिए बच्चों डेप्थ आपको गिवन है, इसको आप मानोगे हाइट, ठीक है, इसके बाद विड्थ आपको गिवन है, इसको आप ब्रेथ मानोगे, ठीक है, और बची आपकी लेंथ। तो बेसिकली जो रेट ऑफ वाटर है ये आपकी एक तरीके से लेंथ है, मेरी बात आई समझ में, यानी कि 100/3 मीटर पर मिनट इतना ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये आपने निकाल लिया इसका लेंथ, तो यहां पर आप लिखेंगे 100/3 × और आपका यहां पर हो जाएगा ब्रेथ 40 × डेप्थ हो जाएगी आपकी 3, ठीक है, ये आप इसको यहां पर सॉल्व कर लेंगे,
और ये आपका आ जाएगा, ठीक है, 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 4000 m³, है ना। इसके बाद आपको यहां पर समझना है कि जो वॉल्यूम आया है वाटर का, ठीक है, जो सी में जाके गिर रहा है, वो आपका मीटर क्यूब में नहीं आएगा, ठीक है, पानी है तो पानी आपको लीटर में फाइंड करना है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, इस 4000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 400000, दिस विल कम आउट इन लीटर्स। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ये वो पानी है जो बेसिकली इस समुद्र में जाके मिल जा रहा है, ठीक है, यही आपको निकालना था। तो आपने देखा कितना आसान था। तो जो आपसे पूछा है उसको आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में, फिगर की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में यहां पर रिप्रेजेंट करना है, सो दैट कि आपको पूरी की पूरी पिक्चर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, है ना। उसके बाद आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप इसको फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। वॉटर इन ए कैनाल 30 decimeter वाइड एंड 12 decimeter डीप इज फ्लोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 km/h, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 cm ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन कुछ कुछ आपका क्वेश्चन नंबर 22 की तरह है, जैसे हमने उसको सॉल्व किया है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। देखिए यहां पर एक कैनाल है, ठीक है, उसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो है 30 decimeter, ओके। उसके बाद डेप्थ यहां पर गिवन है 12 decimeter, इज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ 100 km/h, यानी कि यहां पर वेलोसिटी दी हुई है, किस वेलोसिटी से वो जो पानी है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद पूछा है हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 cm ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। देखिए इसके बाद पूछा है कि 30 मिनट में कितना एरिया इरिगेट कर पाएगा वो पानी, और यहां पर कंडीशन दी हुई है कि जो पानी की हाइट है वो 8 cm तक होनी चाहिए, ठीक है, इरिगेशन के लिए पानी की हाइट 8 cm तक होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है। देखिए यहां पर कहीं कहीं आपको डेसीमीटर गिवन है, ओके, लास्ट में आपको 8 cm गिवन है, तो यूनिट्स आपकी यहां पर डिफर कर रही है। तो आपको करना क्या है, इनको सिंप्लीफाई करना है, ओके। सिंप्लीफाई क्यों करना है, जिससे कि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो और आपका आंसर इजीली आ सके, है ना, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये जो कैनाल है, जो नहर है, ठीक है, कैनाल का मतलब नहर होता है, नदी अलग होती है, कैनाल अलग होती है, है ना। तो कैनाल जो है वो आपकी एक क्यूबॉइड की फॉर्म में होगी, है ना। यहां पर विड्थ गिवन है 30 decimeter, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, ये आपकी 3 meters आ जाएगी। इसके बाद आपको यहां पर डेप्थ भी गिवन है 12 decimeter, डेप्थ का मतलब है हाइट, ओके, यहां पर हाइट मैंने लिख दिया है, तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका आ जाएगा 1.2 meter। इसके बाद देखिए आपने निकाल लिया यहां पर विड्थ और हाइट, इसके बाद लेंथ रह गई, तो लेंथ के लिए आप क्या करेंगे, आप यहां पर देखिए इज फ्लोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 km/h, है ना, तो कहीं ना कहीं आप यहां से लेंथ निकाल सकते हैं। तो लेंथ निकालने के लिए आपको यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने लिखा है वेलोसिटी का, ठीक है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी यहां पर गिवन है, ओके, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से अ काइंड ऑफ लेंथ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप लोगों को पता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय टाइम। इसके बाद आप यहां पर लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है, लेंथ हो जाएगी आपकी वेलोसिटी इंटू टाइम, ओके, वेलोसिटी आपको गिवन है 100 km/h, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 100 km/h को आप कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर मिनट में, ठीक है, तो आप यहां पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 60 से, ठीक है, और टाइम आपको गिवन है 30 मिनट्स, ठीक है, जो लेंथ है बेसिकली क्या है, कवर्ड इन 30 मिनट, ठीक है, तो टाइम आपका 30 मिनट हो जाएगा, तो मिनट से मिनट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपकी लेंथ आ जाएगी मीटर में, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा आपका 2 और ये आपका हो जाएगा 50, सो बेसिकली लेंथ आ जाएगी आपकी 50,000 meter, ओके, 50,000 आपकी लेंथ आ जाएगी,
देखिए अब आपके पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों आ चुकी हैं, तो अब आप क्या निकालेंगे, सेकंड स्टेप। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप था। इस पूरे क्वेश्चन को हमने तीन स्टेप में डिवाइड किया है, पहला आपका कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा, अब आप क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 30 मिनट, यानी कि आधे घंटे में 30 मिनट में कितना पानी फ्लो किया, क्योंकि ये बनता है आपका क्यूबॉइड। तो आप क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ आपने निकाल ली थी, यहां पर आप देख सकते हैं 50,000, तो आप यहां पर वैल्यू रख देंगे 50,000। ब्रेड्थ आपकी यहां से आपने निकाल ली थी 3 मीटर, तो आपने यहां पर रख दी 3 मीटर। इसके बाद हाइट आपने निकाली थी 1.2 मीटर, तो यहां पर आपने रख दिया 1.2 मीटर। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 180,000 मीटर क्यूब, है ना, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहां पर पूछा है हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स, कितना एरिया इरिगेट करेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली एरिया इंटू हाइट, है ना, यही तो होता है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहां पर सिंपली आपको क्या करना है, ये जो आपने वॉल्यूम निकाला है इसका वैल्यू आप यहां पर रख देंगे, है ना, 180,000 = एरिया, और ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया, जो हाइट आपको 8 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में गिवन थी, आपने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये भी आपका मीटर क्यूब है और यहां भी आपका मीटर हो जाएगा। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये आपका आ जाएगा 180,000 अपॉन, आप देख सकते हैं अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इनटू 100 होगा और डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, यही तो होगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं यू विल गेट एरिया 225,000 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कैसे आएगा, ये आपका मीटर में था और ये आपका मीटर क्यूब था। ओके, तो 1 मीटर से आपका 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बचेगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका मीटर स्क्वायर होगा, दैट मीन्स जो एरिया होगा आपका मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा और यही आपको फाइंड करना था। ठीक है, तो आपने देखा कितना आसान था, सिंपली आपने इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, जो भी यहां पर बोला गया है स्टेटमेंट आपको यहां पर लिख लेना है। ठीक है, जैसे यहां पर आपको लेंथ मालूम नहीं थी तो आपने कहीं ना कहीं यहां से फाइंड कर ली। ठीक है, जो भी आपको गिवन है वहीं से आपको निकालना है। जैसे यहां पर लेंथ का जो फॉर्मूला है, वेलोसिटी इनटू टाइम हमने निकाला है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर आप सेकंड स्टेप में जाएंगे, उसके बाद थर्ड स्टेप में फाइनली आप आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। हाफ क्यूबिक मीटर ऑफ गोल्ड शीट इज एक्सटेंडेड बाई हैमरिंग सो एज टू कवर एन एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर। देखिए इसका सिंपल सा मतलब है, आपको वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, क्यूबिक मीटर का क्या मतलब होता है, हाफ मीटर क्यूब। ठीक है, इतना आपके पास गोल्ड शीट है, उसको हैमर किया है, हथौड़े से मारा है। ठीक है, अब आपको इतना हैमर करना है सो दैट कि वो 1 हेक्टेयर का एरिया कवर कर पाए। तो एरिया भी आपको गिवन है। ठीक है, एरिया आपको गिवन है 1 हेक्टेयर। ठीक है, और 1 हेक्टेयर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहां पर आपको फाइंड करना है थिकनेस ऑफ गोल्ड शीट। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत आसान है, अगर मैं वॉल्यूम को डिवाइड कर दूं एरिया से, ओके, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा थिकनेस। तो यहां पर हम लिख लेते हैं वॉल्यूम है आपका 0.5 मीटर क्यूब, है ना, इसको आप 0.5 मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। और एरिया है आपके पास 1 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर का वैल्यू होता है 10,000। ठीक है, ये आपका मीटर स्क्वायर होगा। तो यहां पर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 / 10,000। ओके, ये आपका डेसिमल हट जाएगा तो नीचे 10 आ जाएगा। ओके, ये आपका मीटर में है, तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे,
आप सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये आपकी 20 कैंसिल आउट हो जाएंगी और यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका नीचे 200 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये आपका आ जाएगा 1/200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा।